हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग किस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए जी, मैंने कांजी बनाने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों ये कांजी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कांजी का होता है। तो दोस्तों सर्दी में हम बहुत गर्म चीज़ें खा लेते हैं, तो उसका असर गर्मी में भी रहता है। तो दोस्तों उन गर्म चीज़ों का असर ख़त्म करने के लिए ये हमको कांजी पीना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर पीना चाहिए, जब भी गर्मी साट आट होता है सर्दी के बाद में, तो ये कांजी हमको ज़रूर पीना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये कांजी कैसे बनाई जाती है। कुछ दिन तक मैं इसका पूरा फुल रेसिपी के साथ वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने कांजी बनाई है, ये देखिए दोस्तों मटके में। तो दोस्तों इसका मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो दोस्तों इसमें मैंने जो वो काला वाला गाजर होता है ना, एक तो लाल गाजर होता है जिसे मैंने वाइन भी बनाया था, तो वो लाल गाजर नहीं लेना है, उसके लिए हमको काला गाजर चाहिए, काला रंग का होता है गाजर। तो वो दोस्तों गाजर इसमें डाला है। और दोस्तों इसमें राई डाला है, राई जो होता है ना, जो खाना हम बनाते हैं तो उसमें डाली जाती है राई, जो सरसों जैसी होती है, तो राई डाली है। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये गाजर और राई, काली गाजर और राई, ये दोनों डालकर दोस्तों इसको रख देना होता है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए इसको मटका में डालकर छोड़ देना है। 3 दिन बाद ये देखिए ये रेडी हो जाती है ये कांजी। तो जो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने भी ये कांजी बनाई है। तो दोस्तों इसको रखे हुए अभी 2 दिन हुए हैं, अभी मैं इसको 3 या 4 दिन बाद ये रेडी हो जाएगी पीने के लिए। तो ये देखिए अभी इसका कलर पूरा बढ़िया नहीं बना है, तो ये 2 दिन तक ये पूरी रेडी हो जाएगी पीने के लिए। तो दोस्तों आप भी इसको ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुके हैं अभी सर्दी के बाद, तो जो आपने गर्म चीज़ें खाई हैं सर्दी में, तो उनका असर ये ख़त्म कर देगी। तो आप ये ज़रूर पीजिएगा, इससे आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। जो आजकल जैसे भी बीमारियां चल रही है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये उसके लिए बहुत लाभकारी है। तो ये आप ज़रूर बनाकर पिए। इसको मटके में बनाना है, जो कच्ची मिट्टी का मटका होता है ना, उसमें बनाकर पिए। तो दोस्तों कुछ दिन तक मैं इसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, पूरी फुल रेसिपी के साथ मैं इसको दोबारा बनाऊँगा, तो आपके साथ वीडियो साझा करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।